हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि अपने फ़ोन का सारा डाटा मेमोरी कार्ड में कैसे डालें या मेमोरी कार्ड में कैसे कॉपी करें। तो देखिए, इसके लिए क्या करना है आपको, अपने फाइल मैनेजर को या फिर इस फाइल वाले ऐप को ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे, इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हो सकता है यहाँ क्लीन पर क्लिक रहे, तो आपको क्या करना है, इस ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे, इस तरीके से ओपन होगा। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पर देखिए इंटरनल स्टोरेज, जिसे फ़ोन स्टोरेज कहते हैं, और यहाँ पर है एसडी कार्ड, जिसे मेमोरी कार्ड कहते हैं। तो हमें इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जहाँ भी अपना डाटा रखे हैं, फ़ोटो, वीडियो, गाना, रिंगटोन, जो भी आप रखें अपना डॉक्यूमेंट, आपको उस फोल्डर में जाना है। जैसे कि हम चलते हैं इस फोल्डर में, तो यहाँ पर देखिए कुछ सॉन्ग्स हैं। चलिए हम इन सभी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सभी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आप चाहें तो ऊपर देखिए, यहाँ पर एक को सेलेक्ट करने के बाद ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक करके आप सभी को सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर इससे आसान तरीका क्या है, देखिए आप चाहें तो पूरे फोल्डर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर मूव टू और कॉपी टू का ऑप्शन आएगा। अगर आप देखिए मूव टू पे क्लिक करेंगे, तो ये वाला फोल्डर यहाँ से हटकर मेमोरी कार्ड में चला जाएगा। अगर आप कॉपी टू पे क्लिक करेंगे, तो ये वाला फोल्डर फ़ोन में भी रहेगा और मेमोरी कार्ड में भी कॉपी होकर आ जाएगा। आप जो करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं मूव टू पे क्लिक करता हूँ, ताकि हमारा फ़ोन मेमोरी खाली हो जाए और मेमोरी कार्ड में चला जाए। तो मूव टू पे क्लिक कर देना है। आप चाहें तो सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ से बताया। तो यहाँ से हम चलिए सेलेक्ट ठीक कर लेते हैं। ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं, यहाँ मूव टू पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ इंटरनल स्टोरेज और एसडी कार्ड मिल जाएगा, तो एसडी कार्ड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से फोल्डर नज़र आएगा। अगर आप नया फोल्डर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऐड न्यू फोल्डर पे क्लिक करना है। जो भी नाम आप देना चाहते हैं, वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सॉन्ग लिख देता हूँ। देखिए, मैंने जैसे ही लिख कर मूव टू पे क्लिक किया, यहाँ पर सभी गाना यहाँ से वहाँ पर चले गए हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर है एसडी कार्ड, इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सांग नाम का जो फोल्डर बना है, इस पर क्लिक करते हैं, सभी गाने यहाँ पर आ चुके हैं। आप चाहें तो एसडी कार्ड में पहले से ही नया फोल्डर बना सकते हैं। यहाँ प्लस पे क्लिक करके यहाँ से कोई भी फोल्डर बना सकते हैं। जैसे कि मैं एक फोल्डर का नाम लिख देता हूँ, फ़ोटो। फ़ोटो नाम का बन गया यहाँ पर है। अब इसमें फ़ोटो हम भी डालते हैं। तो हम आ जाते हैं इंटरनल स्टोरेज पे। अब जहाँ भी आप फ़ोटो रखें, वहाँ पर आपको जाना है, फ़ोटो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अगर बहुत सारे हैं, तो मैंने आपको बताया एक फ़ोटो को सेलेक्ट करना है। ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देना है। फिर ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ मूव टू पे क्लिक करते हैं, फिर एसडी कार्ड पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ़ोटो वाला फोल्डर शो कर रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। अब नीचे मूव हेयर पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ से हटकर वहाँ पर चला गया है। बैक आते हैं, एसडी कार्ड पे क्लिक करते हैं, फ़ोटो वाले फोल्डर पर। तो यहाँ पर देखिए सभी आ चुके हैं। इस तरीके से गाइस आप कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी वीडियो है, तो उसे भी इस तरीके से भेज सकते हैं। कितना भी डाटा हो, आप सभी को इस तरीके से देखिए अपने इंटरनल स्टोरेज से एसडी कार्ड या मेमोरी कार्ड में भेज सकते हैं। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ यार, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।